रोकने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारी जो लड़ाई है जी, ये आज से नहीं, ये 2006 से शुरू है। हमारे को जब भी आयोग बनाए, चार आयोग आज तक बन चुके हैं हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, चारों आयोगों ने जाट समाज के लिए रिपोर्ट दी और हमारी सुनवाई फिर भी नहीं हुई। हमको गुरनाम आयोग ने आरक्षण का लाभ दिया, लेकिन जब बदलाव सरकार आई तो हमारे को बाहर कर दिया। उसके बाद काफी सरकारें आई और गई, लेकिन हमारी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। जब 2016 के अंदर दंगे हुए, फरवरी 2016 के अंदर 35-1 का नारा सरेआम रोहतक शहर के अंदर लगाया गया, 35 बिरादरी एक तरफ और एक तरफ, ये सब का सब, सारा का सारा काम ये बीजेपी सरकार ने किया, उनके नुमाइंदों ने करवाया, जो अब तत्कालीन मनीष ग्रोवर जो विधायक है रोहतक से, उसकी अगुवाई के अंदर इन्होंने सरेआम रोहतक के अंदर जुलूस निकाला और 35-1 का नारा लाया। यदि प्रशासन चाहता तो उसको समय के ऊपर रोक लगा सकता, और हमारे जो 18 भाई शहीद हुए, जिनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट रोहतक के थे, 6 सोनीपत के थे और 9 भाई डिस्ट्रिक्ट झज्जर के थे, उनके हत्या नहीं होती। हमारी जाति पूछ पूछ करके उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने उसके ऊपर गोलियां तक बरसाई थी, लेकिन हमारे कोई भी उसके ऊपर असर नहीं हुआ। 4 बार उन्होंने हमारे से वादा किया, लेकिन चारों बार ये सरकार हमसे मुकर गई। तो बार बार हम करते, लेकिन अब ये लास्ट वार्निंग देते हैं इसको, सरकार को, यदि ये हमारी मांग अब भी पूरी नहीं करेगी तो हम आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इनको बुरी तरह से हराए, उससे भी बुरी तरह से हम हरियाणा के अंदर बीजेपी का खाता तक भी नहीं खुलने देंगे, और जब गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आएंगे इनको घुसने दी देंगे। जी, पहले ये बताइए, मैं एक्स मिनिस्टर हूँ हरियाणा से, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रही, मैं कॉरपोरेशन मिनिस्टर रही, PWD B&R मिनिस्टर रही, मैं 12 साल तक मंत्री रही हरियाणा की। आज जो जिस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ आए समर्थन में, क्या कहेंगे इसे? मैं ये कहना चाहती हूँ, 4 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री जी ने बावल की रैली थी, बहुत विशाल रैली थी, उसके अंदर अनाउंस किया था कि हम बावल के मनीठी गांव में, डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी में हम एम्स देंगे, और हम सब आराम से खुश होते रहे, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से वो एक बैकवर्ड एरिया है उस साइड का, और वहां पर कोई साधन ऐसा नहीं है जो कि स्वास्थ्य के प्रति लोग अपना फायदा उठा सकें या वहां के बच्चे कुछ सीख सकें। तो हम इतना हमारा एरिया खुश था, और इसलिए खुश था कि इस एरिया के अंदर बीजेपी का MP, मैं कांग्रेसी होते हुए कह रही हूँ, और मैं उनके बीच में इसलिए आई हूँ कि ये खुशी महसूस कर रहे थे कि बीजेपी को हमने अपना प्रतिनिधि दिया और उन्होंने मंत्री बनाया, और उनके सामने होते हुए अनाउंसमेंट की गई। लेकिन आज 3-4 साल के बाद भी वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा किसी किस्म का, ना भूमि अधिग्रहण, जबकि फ्री में लोग अपनी जमीन गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रही, ना भूमि अधिग्रहण किया, ना कोई काम चालू, ना प्लानिंग में, ना कोई शुरुआत है। अब इलेक्शन होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, लोग क्या करेंगे। 3 साल के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा ने 3 साल के बाद मुख्यमंत्री हरियाणा ने ये कह दिया कि मैंने दबाव में अनाउंसमेंट की है। अब आज के दिन क्या हमारे मंत्री का अनाउंसमेंट मतलब दबाव नहीं रहा? आज हमारा मंत्री का भी दबाव और हमारी सारी जनता का भी दबाव है। हम 3 महीने से महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब धरने पे बैठते हैं, रात और दिन लगातार बैठे हुए हैं, आज हार के कि किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। तब हम दिल्ली में हमने कुछ किया है, और आज हम ज्ञापन देके जाएंगे, और जब हम उठेंगे, जब हमारा एम्स का निर्णय हो जाएगा, ये हम निश्चय करके वहाँ से चले।